ये क्वेश्चन सुन लो बच्चों ध्यान से. लीगल प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स. हमारे कंज्यूमर्स को डिफरेंट टाइप से प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे सरकार ने भिन्न प्रकार के रूल्स बनाए. इन रूल्स को आपने अच्छी तरह से विद एक्ट याद करना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 CPA. इस एक्ट के तहत हमने कल भी आपको बताया था कि कंज्यूमर जो है वो मार्केट का राजा है. अगर आप लोग मार्केट में से कंज्यूमर को माइनस कर देते हैं तो आपका रिजल्ट जीरो हो जाएगा और आपकी मार्केट जीरो हो जाएगी. इसलिए हमारे कंज्यूमर को हर तरह से सुरक्षा मिले, उसके राइट्स मिलें और वो अपनी आवाज़ को इस एक्ट के तहत एक कंज्यूमर कोर्ट में उठा सके, उसके लिए हमने जो एक्ट बनाया है सरकार ने उनकी सेफ्टी के लिए, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. इसके बाद है हमारा कॉन्टैक्ट एक्ट 1982. इस एक्ट के तहत दो व्यक्तियों के बीच में कोई भी अनबंध हुआ है, एक पार्टी ने उसकी पेमेंट पूरी कर दी है और दूसरी पार्टी फाल्टी है और वो पेमेंट नहीं कर रही है, तो पहली पार्टी जो पीड़ित पक्ष है वो दूसरी पार्टी के ऊपर अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से केस कर सकता है इस एक्ट के तहत. इस एक्ट का नाम है 1982. उसके बाद हमारा अगला एक्ट है द सेल्स गुड्स एक्ट. इसके अंदर दो लोग हैं, एक तरफ हमारा परचेजर है और एक तरफ हमारा उस गुड्स और सर्विसेज को बेचने वाला व्यक्ति है सेलर. अगर सेलर ने परचेजर के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव किया है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो डिफेक्टिव गुड्स हो, चाहे वो डिफेक्टिव सर्विसेज हो, उससे रिलेटेड जो बायर है वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है और उसे हम कहते हैं सेल एक्ट 1930. इसके बाद आता है द इनिशियल्स कमोडिटीज एक्ट 1955. इस एक्ट के तहत हर एक व्यक्ति को जो उसकी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं, जो उसके जीवन को चलाती हैं, जैसे हमारे जीवन में चलाने वाली जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी है, नमक है, पानी है, वीट है, जिससे हमारा शरीर चलता है, अगर उसकी आर्टिफिशियल कमी किसी भी वजह से व्यापारियों ने कर रखी है, वो चीज़ होते हुए भी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उसकी जमाखोरी की जा रही है, तो ये एक्ट उन्हें सुरक्षा प्रदान करवाता है और जो हमारी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं वो लोगों तक हर हालत में पहुंचनी चाहिए. अगर ये लोग नहीं पहुंचाते हैं तो इस एक्ट के तहत आप उन पर केस कर सकते हैं, वो है 1955. इसके बाद एग्रीकल्चर एक्ट्स. एग्रीकल्चर के अंदर किसानों को जो भी खाद्य दी जाती हैं, बीज दिए जाते हैं और उनको जो भी दवाइयाँ जो उनके एग्रीकल्चर में काम आती हैं उनका एक स्टैंडर्ड होता है. अगर व्यापारी ने उनके साथ किसी भी प्रकार से उस स्टैंडर्ड से बिलो गुड्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिससे उनकी फसलें खराब हो जाए, उसका पूरा हर्जाना उन्हें लेने का राइट है अगर वो इस एक्ट के तहत अपनी आवाज़ उठाते हैं. कई बार कंपनियां और मैन्युफैक्चरर और सेलर उन्हें ऐसी दवाइयां प्रोवाइड कर देता है जिसे वो फसल पर डालते ही पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है, तो उसका पूरा का पूरा हर्जाना अगर किसान चाहे तो ले सकता है इस एक्ट के तहत. इसके बाद आता है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट 1954. इस एक्ट के अनुसार जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हर एक कंज्यूमर तक एक्यूरेट पहुंचनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए जिससे उनके शरीर को
नुकसान पहुंचे। एक व्यक्ति कोई भी अच्छी चीज का, अब मिल्क मेड गुड्स हैं, चाहे हमारे क्रीम है, चाहे हमारा मक्खन है, घी है, उसका हम यूज़ क्यों करते हैं? कि हम अपनी सेहत को बनाने के लिए। परंतु हमें मार्केट में वो प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं कि उसमें जहर मिला हुआ है और उसके खाने से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया, नुकसान हो गया। ऐसे ही बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसको पेशेंट अपने फायदे के लिए लेता है, परंतु जैसे ही उनका सेवन करता है तो उनकी डेथ भी हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारी कॉस्मेटिक गुड्स ऐसी होती हैं जिनके कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और मेनली हमने खाने पीने की चीज़ें देखनी है। इसके लिए कंज्यूमर को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि जब वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है और वो खाने वाली चीज़ है तो उसकी एक्सपायरी डेट्स उसको ज़रूर देखनी चाहिए। तो एक्सपायरी डेट्स का कोई माल प्रोवाइड किया जाता है, मिलावटी माल उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो इस एक्ट के तहत वो अपना केस दर्ज करवा सकते हैं। इसके बाद होता है द स्टैंडर्ड ऑफ द वेट एंड मेजर एक्ट 1976। हमारे कंज्यूमर से जो कीमत ली गई है उतनी मात्रा में उसको वो सामान मिलना चाहिए। कई बार हम एक किलो की कीमत देकर आते हैं व्यापारी को, परंतु हम घर में सामान आकर तोड़ते हैं तो वो 900 ग्राम होता है। इसी प्रकार से एक लीटर का आपने पेट्रोल पंप का पैसा चुकाया और जब आपने अपनी बाइक में चेक किया तो उसमें से बहुत कम निकला। इसको हम कहते हैं अंडर मेजरमेंट। तो इसके तहत आप लोग आवाज उठा सकते हैं। द ट्रेड मार्क एक्ट 1999। अब एक व्यापारी है, उसकी रेपुटेशन है, उसने अपना एक मार्क बनाया हुआ है और उसने अपना ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड करवा लिया 1999 के थ्रू। और इस ट्रेड मार्क का यूज़ अगर दूसरा कोई मैन्युफैक्चरर करता है तो पहले वाला व्यापारी उस पर केस कर सकता है इस एक्ट के तहत। इसके बाद होता है द कंजम्पशन एक्ट 2002। एक हमारे यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी मोनोपली होती है और मोनोपली के कारण वो केवल उस चीज़ को बनाने वाले अकेले लोग होते हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो इस एक्ट के तहत अगर कोई मोनोपली कर रहा है और उसके कारण जमाखोरी कर रहा है, उसके कारण प्राइसेस को अप कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत इस एक्ट के तहत कर सकते हैं। इसके बाद होता है द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। हमारी जो गुड्स हैं वो हमारी बनने के बाद उसको एक सरकार के द्वारा ऑथराइज स्टैंडर्ड में से पास होना होता है। जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, खाने पीने की सामान है, उसका सरकार ने एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया हुआ है। जब तक वो स्टैंडर्ड में से पास आउट नहीं हो जाती, उस पर ISI मार्क नहीं लग जाता, तो वो बिलो स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। और उसके यूज़ करने से अगर कंज्यूमर को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है या उसका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, तो आप इस एक्ट 1986 के तहत उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट एक्ट्स विच आर प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। परंतु एक कंज्यूमर को प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब वो खुद अपने आप में अवेयर होगा। कल भी हमने बताया था आपको, एक व्यक्ति की सहायता दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ग्रुप, दूसरा व्यक्ति तभी करेगा जब वो खुद की सहायता खुद करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपनी वस्तु खरीदते समय पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए और पूरे बिल वगैरह लेने चाहिए, गारंटी कार्ड और वारंटी कार्ड लेना चाहिए। उसके बाद आपके साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है तो सबसे पहले आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा, तब आपका ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करेगा। ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करेंगे, अदरवाइज कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। डेट्स ऑल।